The question is, what is the meaning of M by 10 HCl solution? ये question है ना कि यहाँ पर M by 10 HCl solution का क्या मतलब है? देखो समझाते हैं, यहाँ पर M by 10 HCl solution का क्या meaning है? तो class 12th में ना अगर exam idea देखेंगे तो exam idea में ये question आपको मिलेगा, क्या M by 10 HCl solution? एक्चुअली होता है क्या कि 1M का मतलब क्या होता है, 1M स्टैंड फॉर 1 मोलैरिटी, क्या 1M का मतलब क्या हो गया बोलो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1M? 1M स्टैंड फॉर 1 मोलैरिटी ना, एंड 1 मोलैरिटी मीन्स व्हाट? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हम लोग जानते हैं। तो अब एक बात बताओ कि मेरे पास सपोज डैट HCl है, HCl का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सपोज कि मेरे पास क्या है, HCl है, HCl मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मान के चलते हैं कि उसका मोलैरिटी जो है ना 1M है, कितना M है, तो 1M का मतलब होता है कि 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 1M का मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यही ना होता है 1 मोलैरिटी का मतलब कि 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। अगर तुम यहाँ पे 1 मोल रखो, यहाँ पे 1 लीटर रखो, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो मोलैरिटी कितना आएगा, 1 मोल पर लीटर। तो अगर हम मान लेते हैं कि HCl की मोलैरिटी कितना है, 1 मोल पर लीटर, तो अगर उसको हम 10 से डिवाइड देंगे तो उसकी मोलैरिटी कितना हो जाएगा, एम बाई 10 ना। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ एम बाई 10 HCl सॉल्यूशन, इट मीन्स 1/10th mole of HCl are present in 1 liter of the solution. अगर suppose that हम कहते हैं 1 mHCl, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 mole of HCl are present in 1 liter of the solution. ये बात बोलते हैं ना कलीम, अगर हम लिखते हैं 1 mHCl, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1 mole of HCl are present in 1 liter of the solution. अगर हम m by 10 लिख रहे हैं, अरे यहाँ पर 1 भी छिपा हुआ है ना, अगर हम 1/10 m लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/10 m ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 1/10 m HCl का क्या मतलब है, तो 1/10th बोलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, बस यही मीनिंग है। और ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बात समझ में आया। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1/10 mHCl, तो बोलेंगे 1/10 mHCl स्टैंड फॉर 1/10th mole ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। इट इज़ वेरी इजी, समझ में आ गया ना। ओके नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम लोग जो ना पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको किसके बारे में बताता था, स्लोप के बारे में। मैंने आपको बताया था स्लोप स्टैंड फॉर व्हाट, स्लोप स्टैंड फॉर टैन थीटा। ओके एंड दैट वी नो दैट टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी बाई बी। टैन थीटा का मतलब क्या होता है, पी बाई बी होता है, इतना बात हम लोग जानते हैं। अब देखो, तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो कल शायद आप लोग को हम एक फार्मूला बताए थे, कल एक फार्मूला पता नहीं बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे आपको x by m इज इक्वल टू क्या बताए थे, kp का पावर 1/n, ये एक फार्मूला बताए थे क्या, नहीं बताए थे, चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग इस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। लिखिएगा एक फार्मूला, x by m इज इक्वल टू kp का पावर 1/10 1/n, x by m इज इक्वल टू kp का पावर 1/n। ओके है ना। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था हेयर x इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, x का मतलब क्या होता है, तो पिछले क्लास में आपको बाय डिफॉल्ट आपको हम बताए थे कि x का मतलब होता है मास ऑफ गैस। x हम किसको बोलते हैं, है ना, गैस के मास को कहते हैं। एंड m किसको कहते हैं, m इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब वो एडसॉर्बेंट होगा कि एडसॉर्बेंट होगा, एडसॉर्बेंट किसको कहते हैं, जिस पे जो चीज़ आकर के चिपक रहा है वो एडसॉर्बेंट है, गुड। तो m इज़ दी सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, और वहाँ पे वो सॉलिड था, x क्या था, मास था, तो दोनों को क्या करना है, डिवाइड देना है। हम आपको बता रहे थे कि 1900 सेंचुरी में क्या किया गया था कि गैस पर और सॉलिड पर दोनों पर ना स्टडी किया गया था, दोनों के एडसॉर्प्शन पर, मतलब एडसॉर्प्शन ऑफ गैस एंड एडसॉर्प्शन ऑन सॉलिड, मतलब एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड पर, क्या एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड पर क्या किया गया था, स्टडी किया गया था। तो ये चीज़ तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ना स्टडी किया गया था 1900 सेंचुरी में किस पर,
एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन एंड सॉलिड पर. हम आपको बताए थे सपोज डैट, मान लेते हैं कि ये कोई सॉलिड है, थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं ये कोई सॉलिड है, ठीक है. अब इस सॉलिड पर कोई गैस क्या कर रहा है, इस सॉलिड पर कोई गैस अकोमोडेट कर रहा है. अकोमोडेट करने का मतलब क्या हुआ, जम रहा है, आकर के बैठ रहा है. तो बताए थे ना हम लोग इसको स्टडी किए थे, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड को हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे. तो अब यहाँ पर क्या है, x बाई m का मतलब क्या हो गया, गैस का मास डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. ये बात हम लोग को समझ में आ गया. बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा kp का पावर 1/n. तो ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, कल ग्राफ भी देखे थे इसका. यहाँ पर k क्या है, तो k यहाँ पर कांस्टेंट है, p क्या है, p प्रेशर है, n भी क्या है, कांस्टेंट है. तो लिखिएगा हेयर हेयर, पहले आप लोग जो है ना सुन लीजिए दोनों आदमी, पहले इसको नोट कर लीजिए बाद में लिखिएगा, ठीक है. लिखिएगा हेयर, सुनना हम यहाँ पे क्या बता रहे. तो लिसन केयरफुल्ली, x बाई m इज वाट, x इज द मास ऑफ द गैस, m इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो ये दोनों का रेशियो हो गया. k इज द कांस्टेंट, n इज ऑल्सो कांस्टेंट, एंड p इज वाट, p इज द प्रेशर. तो इतना बात हम लोग को समझ में